న్యూస్ వార్తలకి స్వాగతం మిలాద్ ఉన్ నభీ జయంతి సందర్భంగా పదకొండు మంది పేద ముస్లిం కూతుర్లకు ఉచితంగా పెళ్ళిళ్ళు మిలాన్ ఉన్ నభీ అంటే మహ్మద్ ప్రవక్త జయంతి సందర్భంగా మిలాద్ ఉత్సవాలు పదకొండు రోజులు జరుగుతాయి అందులో భాగంగా గులామానే జోలియా వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డిస్కో బాబు ఆధ్వర్యంలో కాజీ అబ్దుల్ మజీద్ హజరత్ అల్లామా మౌలానా అల్ హజ్రఫీ సాహెబ్ హజరత్ అల్లా మౌలానా ఆఫీస్ జాహిద్ హుషేన్ షా సాహెబ్ వారి సహకారంతో పదకొండు రోజులుగాను పదకొండు మంది ముస్లిం పేద మధ్యతరగతి పెళ్లి చేసే ఆర్థిక స్తోమత లేని తల్లిదండ్రుల కూతురులకు గులామానే జౌలియా వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పెళ్లిలను చేయడం జరుగుతుందని ప్రెసిడెంట్ డిస్కో బాబు తెలిపారు అలాగే ఐదు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు మరిన్ని వివరాలకి వారిని సంప్రదించాలని కోరారు बिरदरान इस्लाम अलैक् वरहल बरकता बरकातहू तमाम शहर अनंतपुर के मुसलमानों को सबसे पहले ग़लामा औलिया वेलफेयर एसोसिएशन नौजवान कमेटी के जानिब से आप तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद मुबारक पेश करते हैं हमारा ये मकसद था कि गुज्त साल जो मोहम्मद को तोहफ़ा दिए हैं सब हम लोग बच्चे और हमारे बच्चे और सब बुज़ुर्ग मिलकर एक इरादा किए हैं कि इस साल हर एक दिन भी हुजूर के नाम पे एक एक लड़की को शादी करना बोल के डिसाइड किए हैं इसलिए ये इरादा ये इस साल से करना बोल के मालदार मोहल्ला बमाम आमिना मदरसे के पास आली जनाब डिस्को बाबू के घर के पास हर दिन मगरिब के बाद एक निकाह किया जाएगा जिसमें लड़की को पाँच हज़ार रुपये नकद पैसे और एक जोड़ा कपड़े और लड़के को एक चांदी के अंगूठी एक जोड़े का कपड़े और आली जनाब जाहिद हुसैन और मौलाना अब्दुल मजीद हाफिज़ अब्दुल मजीद खाजी साहब और जनाब मौलाना हारून अशरफी इनके निगरानी में और ग़ुलाम ने ओलिया कमेटी के सदर डिस्को बाबू मोहम्मद भाई जीलान समी मौलाना इरफान और दीगर छोटे बच्चों के जाने में ये निके किए जाएंगे बराए महरबानी जो भी अपनी लड़की को इस हालात में के आजकल शादी करने के लिए बहुत खर्चा हो रहे हैं पैसे इसलिए ये हालात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये इरादा किए हैं आप तमाम लोगों को जो भी अपनी लड़की को इस मुबारक महीने में निकाह कराना चाहते हैं वो आकर हमारे मोहम्मद भैया या जीलान या समी या बाबू साहब को अपने अपने अप्लीकेशनें दें बराए महरबानी आप लड़का लड़की आप ही देख लेकर हमारे पास आकर अप्लीकेशन दें तो हम उसे इंक्वायरी करके आपको एक डेट देंगे वो डेट को जो जो हजरत ग्यारह पहले आते हैं उन्हीं की लड़कियों को शादी की जाती है और इन शारहवीं रोज़ मीलादुलनबी के हज़ू अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा तमाम कमेटी के दरमियान बांटा जाएगा और जो भी हजरात ये टोकन लेने चाहते हैं वो आकर अपने अपने आधार कार्ड और फ़ोटो और फ़ोन नंबर के साथ मोहम्मद भाई और, और हमारे बच्चे सैफ उनका नाम सैफ 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 के ब्रदर्स के पास आकर अपना अपना नाम लिखा जाए और इस आ, इस मीलादुलनबी के मौके पर तमाम लोग इस शादियों को में हिस्सा लेकर अपने अपने हाथ में जो भी हो वो करके तमाम गरीब बच्चों के शादियाँ करें और हम ये इरादा रखते हैं कि ऐसे शादियाँ हर मिलादुलनबी के जलसे में हर रोज़ भी हर जगह चले तो एक एक, एक मीलादुलनबी के मौके पर कम से कम 500 से 600 गरीब बच्चों के शादियाँ होते बर मेहरबानी आप लोग इस मुबारक मौके पर आकर अपने बच्चों की शादी कराकर शाम में शादी की साथ निका के साथ हमारे पास दूल्हे वालों को दुल्हन वालों को पचास पचास आदमियों का खाने का इंतज़ाम किया गया है बराए महरबानी जो भी हजरत अपनी लड़की की ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो ग़ुलाम अलिया वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आकर यह निकाह कर लें और उस बच्ची की ज़िंदगी गुजार लें बराए मेहरबानी आप लड़का लड़की आप ही खुद चुन लेकर हमारे पास अपलिकेशन लेकर आए शुक्रिया असलम ये हमारे बाबू भाई डिस्को बाबू भाई ये काम सरकार के तोहफे से स्टार्ट करें लेकिन अब शादियाँ का मजहब भी रखो करती हैं से ये मुसलमान का एक ही नहीं गए नूरबाश बाश लद्दाख लोगों को भी ये हमें मौका दे रही हैं लेकिन इसमें क्या है गा तो तुम्हें शादी करने का है का तो मौका शादी करना मौका है तो भी हम ना के पंद्रह दिन के आगे ही आगो मिलना है कहीं को तो तुम्हें वो बच्चे का बच्ची का दोजने का भी तुम्हें ये दिए तो भी दे बायोडाटा दिए तो भी हमें उसे आगो पूरा चक्कर लेगो हमें बच्ची हमें चक्कर ले को डिसाइड कर लेगो हमें शादी करने वाले खाना भी। खाने का इंतज़ाम भी लंगर आम भी हम ना को उनको रहेगा शादी वाले को सरकार के तोहफे में सरकार के तोहफे में सब लोग आकर सब लोग आकर अपने अपने, अपने अपने लड़कियों की जिंदगी सवाल अपनी अपनी लड़कियों की जिंदगी सवाल सवाल करें आबा मेरा जो नवी मुबारक हो मुसलमान तमाम मुसलमानों के लिए अह उलामा ने ओलिया वेलफेयर एसोसिएशन वाले डस बाबू भाई की तरफ से बाकरी बची होंगी शरिया करार आए हैं 11 11 बच्चियों की उनके ग्यारह गया, दिन में ग्यारह बच्चियों की शादी करा रहे हैं अब सब लोग मिलकर तमाम इसमें आज शामिल, शामिल होकर शादियाँ कामयाबी कीजिए आजकल के जमाने आज में बहुत महंगाई है इसलिए ये सोच कर हम लोग इस पे इरादा किए हैं अमाल